साउथ सिनेमा के थलाइवा और बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रजनीकांत एक ऐसा अभिनेता है जिनका जितना सम्मान साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में किया जाता है, उतना ही सम्मान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी किया जाता है। रजनीकांत के एक्शन के बॉलीवुड सेलेब्स भी दीवाने हैं और यही वजह है कि सेलेब्स उनसे इतना प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। रजनीकांत आज जिस मुकाम पर है, यहाँ तक आने और इतनी इज्जत कमाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। गरीबी से लेकर थलाइवा बनने तक का रजनीकांत का सफर काफी कठिन रहा है। उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में बैंगलोर में हुआ था। रजनीकांत के पिता बैंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माँ हाउसवाइफ थी। जब रजनीकांत 4 साल के थे तभी उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। रजनीकांत ने कुली से लेकर कारपेंटर और बस कंडक्टर तक की नौकरी की, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से फिल्मों की तरफ ही था। रजनीकांत जब बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बतौर बस कंडक्टर का काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कन्नड़ रंगमंच में भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से वो जुड़े। 25 साल की उम्र में रजनीकांत ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जिस फिल्म में उन्होंने सबसे पहले काम किया था वो थी अपूर्वा रंगागल। हालांकि इस फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में नहीं थे, इस फिल्म में उन्होंने कमल हासन के साथ काम किया था। इसके बाद साल 1978 में रिलीज हुई तमिल फिल्म भैरवी में रजनीकांत को बतौर मुख्य अभिनेता काम करने का मौका मिला। उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उसके बाद रजनीकांत का करियर और जिंदगी पटरी पर आ गई। भैरवी के बाद रजनीकांत ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते रजनीकांत साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। साउथ में अपने कदम जमाने के बाद रजनीकांत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। रजनीकांत ने बॉलीवुड में फिल्म अंधा कानून से डेब्यू किया। इसके बाद कई सुपरहिट फिल्में भी दी। रजनीकांत की जिंदगी में एक शख्स ऐसा भी है जो उन्हें पूरा करती है और वो है उनकी पत्नी लता। लता ने जब से रजनीकांत से शादी की है तब से वो उनका काम संभाल रही हैं। दोनों ने एक दूसरे का मुश्किल समय में भी साथ निभाया। रजनीकांत को लता से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। रजनीकांत एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसके इंटरव्यू के लिए लता ने रिक्वेस्ट की। लता को पहली बार देखते ही रजनीकांत को उनसे प्यार हो गया था। इंटरव्यू के दौरान दोनों काफी सहज थे, जिसकी खास वजह बेंगलुरु कनेक्शन था। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ रजनीकांत ने लता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रजनीकांत के प्रपोजल को सुन लता हैरान रह गई थी। हालांकि लता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें उनके माता पिता से बात करनी होगी। दोनों ने तुरंत पेरेंट्स से मिलने का फैसला नहीं किया और एक दूसरे को कुछ वक्त दिया। इसके बाद रजनीकांत और लता 26 फरवरी 1981 को शादी के बंधन में बंध गए। अमर उजाला.com